मिस्टर भी प्लीज देखिए, मैं पब्लिक के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। अगर हम आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो दरअसल कल रात को मेरी वाइफ बाहर गई थी, उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे लगा शायद वो अपने मायके में होगी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। वो जहाँ भी जाती है पता कर जाती है, लेकिन इस बार ना उसने कुछ बताया ना उसका फोन आया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी प्रॉब्लम में है। मिस्टर बी प्लीज, पर क्या उनके जाने से पहले आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? आई मीन किसी बात में कोई अनबन? सर अब कौन से फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन नहीं होती। हाँ लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं जो इस वजह से घर छोड़कर चली जाए। मुझे शक है कि वो किसी मुसीबत में है। देखिए अभी जैसा कि आपने बताया, अभी उन्हें घर से गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और फिर आपने बताया कि वो ऐसी नहीं है। लेकिन सर वो देखिए, अगर वो एक रेस्पॉन्सिबल लेडी हैं तो आप घबराइए मत, वो आ जाएंगे। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी करवा देता हूँ, नाकाबंदी भी करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपको उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें बता दीजिएगा। जी, और अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और वो फोटो आपके लिए आप रख लीजिए। मिस्टर अभी आप रिलैक्स रहिए। देखिए ऐसे केसेस में 90% लोग एक दो दिन में खुद ही वापस आ जाते हैं। आपकी वाइफ भी आ जाएंगे। थैंक यू सर, आई टेक अ लीव। जाधव। यस सर। काश ऐसा ही हो, प्रज्ञा खुद ही घर वापस आ जाए। मैं घर जाऊं तो मुझे घर पे ही मिले। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। यार ये वापस सरला तो नहीं आ गई? यार इस घर की औरतें किसी ने देख तो नहीं लिया? रिलैक्स। I don't know who all are coming and कोई रिलैक्स निखिल, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बिना कुछ देखे या बिना कुछ सोचे ऐसे ही किसी के भी होटल रूम में चली जाऊं, या फिर ये भी ना देखो कि कोई पीछे फॉलो कर रहा है और जब बाद में पता चले तब उसे किडनैप कर लूं। सॉरी, आई डोंट मीन दैट, बट डोंट यू वरी, मैं अच्छे से सब कुछ देखभाल कर रही हूँ कि मेरा कोई भी पीछा ना करे। एनीवे, फॉरगेट अबाउट दैट। मुझे एक बात बताओ, ये प्लान कहाँ तक पहुँचा? सॉरी, प्लान कहाँ तक पहुँचा? मैडम पार्सल कहाँ तक पहुँचा पूछिए, क्योंकि पहुँच चुका पार्सल और अब तक उस पार्सल ने अपना काम भी दिखाना शुरू कर दिया होगा। इसका मतलब है कि वो पेपर्स? यस आलिया, क्योंकि निखिल जब कोई काम लेता है तो वो पूरी तरह से पूरा करता है। इनफैक्ट वो पेपर्स इस वक्त अभी की लैब पर होंगे। ही मस्ट बी गोइंग थ्रू देम और बहुत जल्द साइन भी कर लेगा। इनफैक्ट तनु अभी फोन ही कर रही होगी हमें गुड न्यूज देने के लिए। फैंटास्टिक निखिल, फैंटास्टिक। Are you okay? Yeah, I'm absolutely fine. You know what? I knew it. मुझे मालूम था कि एक बार प्रज्ञा वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके अभिषेक प्रेम मेहरा के पास भेजेगी ना, तब उसका उसके ऊपर इतना गहरा असर पड़ेगा कि वो एकदम शॉक हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि प्रज्ञा खुद ये पेपर्स क्यों नहीं लेकर आई। दो ऑप्शंस होंगे, या तो अभिषेक प्रेम मेहरा शॉक में या फिर गुस्से में आकर वो पेपर्स साइन कर ही देगा। I so knew this is going to happen. Brilliant plan, Alia. Brilliant plan. और जानते हो, उसकी फैमिली के थ्रू वो पेपर्स भिजवाना हमारी सबसे बड़ी यूएसपी थी। This was a masterstroke, Alia. What an idea! जब एक डरी हुई प्यारी सी माँ या दादी जाएगी अभी को कन्विंस करने, बेसिकली जाएगी डिवोर्स पेपर्स लेकर। वो दादी जो प्रज्ञा को अपने खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी उसे कन्विंस करने के लिए। Absolutely. और अभी को कोई कारण भी नहीं है उस पर शक करने के लिए। शक तो दूर की बात है निखिल, उस अभिषेक प्रेम मेहरा के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और एक बार वो जब उस पेपर्स पर साइन कर देगा ना, तब तो वो सो कॉल्ड बहन जी उस घर से बाहर निकल जाएगी। प्रज्ञा बाहर और आलिया होगी अंदर। जानते हो कैसे? क्योंकि जब ये सो कॉल्ड पति पत्नी का रिलेशनशिप टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा, नो मोर कहलाएगा, तब वो सो कॉल्ड भाई बहन का रिश्ता, वो टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन? अभी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो सब कुछ अपने लिए करती है, उसके सारे फैसले अपने लिए होते हैं। हाँ, पर ये किसी को नहीं पता था कि ये फैसला वो कब लेगी। और तुम क्यों इतनी चिंता कर? तुम भी तो यही चाहते थे कि प्रज्ञा डिवोर्स दे दे। आज जब वो डिवोर्स ले रही है तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये साइन करो और दे दो वापस। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये सही नहीं है, ये तरीका गलत है। मेरा उसके साथ जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन उसने कभी हमारे इस रिश्ते को ऐसे ट्रीट नहीं किया। और क्यों दूं मैं उसे डिवोर्स? क्यों साइन करूं इन पेपर्स पर? क्या भरोसा कि ये पेपर्स फेक नहीं है? क्या भरोसा है कि ये प्रज्ञा के सिग्नेचर्स हैं? हो सकता है कि ये भी पेपर्स फेक हो ना, जैसे कि वो रिपोर्ट फेक थे। अब एक और सस्पेंस। पहले प्रेगनेंसी रिपोर्ट सही है या गलत, इसका सस्पेंस था। अब डिवोर्स पेपर्स असली है या नकली, इसका सस्पेंस है। अभी ये पेपर्स असली है और ये साइन भी असली। मैं प्रज्ञा की साइन जानती हूँ और तुम भी जानते हो। सिर्फ मान नहीं रहे बस। और क्यों नहीं मान रहे? ये पेपर्स खुद प्रज्ञा की दादी लेके आई है यहाँ पर। अबे तुम भी तो डिवोर्स चाहते थे और मैं भी चाहती थी, ताकि हम लोग शादी कर पाए। आज जब प्रज्ञा हम दोनों के रास्ते से जा रही है तो तुम उसे रोक रहे हो। अभी ये सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, छुटकारा है प्रज्ञा के चुंगल से, उसकी प्लानिंग से, जो वो प्लानिंग करके इस घर में आई थी। अभी अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ये सब लोग उसकी टॉर्चर से बच जाएंगे। अपने बच्चे के बारे में सोचो। अभी ये साइन करो और दे दो वापस। तनु, कैसे वो साइन करेगा? तुमने तो शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है। क्या तलाक को भी गुड्डा गुड्डी का खेल समझोगी? कि बस एक साइन करो और सब कुछ खत्म? देखो बहन जी, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, कुछ भी हो जाए, प्रज्ञा कितनी भी बदल जाए, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं कर सकती वो। जानती है ना आप, मैंने उसे बहू नहीं बेटी समझा है, अपनी बेटी। और माँ होने के नाते मेरा दिल ये कह रहा है कि आप जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। आप सच बोलिए, क्या छुपा रही हैं? प्रज्ञा है कहाँ? उसने क्या बोला है? बोलिए। मैंने आपसे कहा ना कि प्रज्ञा घर पे है और प्रज्ञा इस घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलना चाहती, और इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, और मैं ये छुपा रही हूँ कि प्रज्ञा अब और नहीं सह सकती। उसने बहुत सहमी। इन रिश्तों का बोझ जब उससे उठाया नहीं जाता, अब उसको आजाद कर दीजिए। और वैसे भी तो देखिए ना, अभी ने तो सोच ही लिया कि उसने अपनी आगे की जिंदगी किसके साथ और कैसे गुजारनी है, तो फिर उस तरफ पड़े और छोड़ दे, डाइवोर्स पे साइन कर दे, प्रज्ञा को आजाद कर दे। आखिर क्या नहीं देखा उसने और क्या नहीं सहा इस घर में? क्या कहा आपने? क्या कुछ नहीं सहा उसने? क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया या क्या नहीं दिखाया उसने पूरे परिवार को? उसकी वजह से मेरे परिवार का एक एक इंसान रोया है दादी। सबको टॉर्चर किया है, सहा हमने है दादी, बर्दाश्त हमने किया है। लेकिन अब बस, अब मैं उसे और खेल खेलने नहीं दूंगा। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला। खेल तो तू खेल रहा है अभी प्रज्ञा के साथ, उसके जज्बातों से, उसके दिल से। भला कौन ऐसी औरत होगी जो ये देख पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ घूमे, उसकी जगह किसी दूसरी औरत के बच्चे का बाप बने? बहुत सहा उसने, जिंदगी भर कोई खुशी तो तुझे नहीं दे पाया, कम से कम तलाक ही दे दे ताकि उसकी जान तो छूटे। और एक बात और सुन ले, अगर तूने इन कागजों पे साइन नहीं किए ना तो तू अपने बच्चे की जिंदगी और प्रज्ञा की जिंदगी से भी खेलेगा, उसकी जान नहीं बचेगी। प्रज्ञा दी कहाँ है, प्लीज बताइए। वो मैं बता चुकी ना कि घर पे। दादी दी ने ये सब साइन क्यों किया, उनको किस चीज का खतरा, कोई उन पे दबाव डाल रहा है, कोई उन्हें फोर्स कर रहा है क्या ये सब करने के? उसने खुद साइन किए। दादी अगर ऐसा नहीं है तो आपने ऐसा क्यों कहा कि दी जी नहीं पाएंगे? दादी कुछ तो है, प्लीज बताइए आप क्या छुपा रही? वो मेरा मतलब था कि उसे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे आजाद होना है, अपने जो फैसले हैं वो खुद लेने हैं, हर रिश्ते से आजादी चाहिए। तू जल्दी से इस पे साइन कर दे ताकि मैं जाऊं यहाँ से। ये आप कह रही है दादी? कम ऑन स्वीटहार्ट, जल्दी से गुड न्यूज सुनाओ। गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज देने के लिए फोन किया मैंने। अभी ने वो पेपर साइन ही नहीं किए। अभी ने कहा कि प्रज्ञा ऐसा कर ही नहीं सकती, प्रज्ञा साइन कर ही नहीं सकती, और पेपर साइन करने से पहले वो प्रज्ञा से बात कर लेगा, और इसीलिए वो प्रज्ञा के घर गया ना, ऑब्वियसली प्रज्ञा वहाँ पे है नहीं, और अभी का शक यकीन में बदल जाएगा और फिर वो पेपर्स कभी साइन ही नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे चला गया वो? और तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की उसे? कैसे रोकती? कैसे रोकती का क्या मतलब हुआ? मैं वहाँ नहीं था तो मैं कैसे बोलूँ की कैसे रोकती? तुम्हें इतना सा काम करने नहीं आता? चिल्लाओ मत, मैंने उसे समझाया था, रोका भी, लेकिन उसके सर पे ना प्यार का भूत सवार है जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा। बस एक ही रट लगाई उसकी, मेरी प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। अरे जब उसने अपनी दादी की बात भी सुनी तो मेरी बात कहाँ से सुनता और चला गया वो। Enough, just give it up. समझाओ उसे। Okay, just relax. तनु, what's wrong with you? तुम एक छोटा सा काम कहा था और वो भी नहीं हुआ तुमसे। अभिषेक प्रेम मेहरा के साइन लेना और पेपर्स पे कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते। Look, sweetheart, तनु अब हम तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, ओके? जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो कि यू नो, इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है? देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें किसी भी हालत में कुछ भी करके कैसे भी करके, चाहे प्यार से, चाहे डरा कर, चाहे धमका कर, कुछ भी करो, लेकिन अभिषेक प्रेम मेहरा के सिग्नेचर तुम्हें उन पेपर्स पर लेने ही पड़ेंगे। अब और कोई चांस नहीं बचा। अभी ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है प्रज्ञा से मिलने के लिए, उससे ये पूछने के लिए कि उसने उससे डिवोर्स क्यों लिया। हेलो तनु, कहीं नहीं, पता तो नहीं चल गया कि मैं आलिया से बात कर रही थी? पता है मुझे किससे बात करके हमारे घर की कहानी सुना रही थी। ओह माय गॉड, इन्होंने सब कुछ सुन लिया। वो निखिल बाहर बैठा है और तू उसे फोन करके हमारे घर की कहानी सुना रही थी, ठीक है ना? थैंक गॉड इन्होंने आलिया का नाम नहीं सुना, इन्हें लग रहा है कि मैं निखिल से बात कर रही थी। देख तनु, मैं तुझसे सीधे सीधे बात कर रही हूँ और तू भी मुझे सीधे सीधे जवाब देना। किस चीज का जवाब चाहिए आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो खेल चल रहा है ना, प्रज्ञा का घर में ना आना और उसका डाइवोर्स पेपर पर साइन करके भेजना वगैरह वगैरह, इस सब में कहीं तेरा हाथ तो नहीं है ना? मेरा हाथ कैसे हो सकता है दादी? ये सब कुछ तो प्रज्ञा ही कर रही है। अब डाइवोर्स पेपर्स मैं या निखिल तो नहीं लेके आया ना, वो तो प्रज्ञा की दादी लेके आई है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको उन्हीं से करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मैं इसलिए पूछ रही कि बाद में जब मुझे पता चले कि इसमें तेरा हाथ है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप क्यों बुरी होंगी दादी? इस घर में सबसे बुरी तो मैं हूँ, लेकिन मैं अभी की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती। नहीं समझिए, मैं समझाती। देखिए, पत्ता अगर सूख जाता है ना तो वो पेड़ से अलग होके गिर जाता है। अभी और प्रज्ञा का रिश्ता भी वैसा ही है, सूखे पत्ते की तरह। उनके रिश्ते का ना कोई फ्यूचर है और ना ही कोई लाइफ, तो इसीलिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो बस एक हवा के झोंके का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही वो हवा का झोंका आएगा उस सूखे पत्ते को पेड़ से अलग कर देगा। दादी आपने कहा था प्रज्ञा घर पर है ना? कहाँ है प्रज्ञा? बुलाइए उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। दादी आप चुप क्यों हैं? आप प्रज्ञा को बुला क्यों नहीं रही है? आप समझिए ना, मैं मेरा बात करना बहुत जरूरी है। आप पुत्र जी गाल है कि प्रज्ञा ना सरला जी के साथ बाहर गई है, कहने लगी कि सामान बहुत ज्यादा है तो मैं भी साथ चली जाती हूँ। झूठ बोल रही है आप। प्रज्ञा रूड हो सकती है लेकिन हार्टलेस नहीं। वो इतनी इनसेंसिटिव नहीं है कि मुझे डिवोर्स पेपर्स बेचकर खुद शॉपिंग के लिए चली जाए। अरे जिस तरह इस डिवोर्स पेपर्स को लेकर मैं बेचैन हो रहा हूं ना, उसी तरह प्रज्ञा भी बेचैन हो रही होगी, रो रही होगी किसी कोने में बैठकर। एंड आई एम श्योर कि जो सिग्नेचर्स है ना, ये प्रज्ञा की सिग्नेचर्स नहीं है। इसलिए जब तक मैं प्रज्ञा से बात नहीं कर लेता हूं तब तक मैं ऐसे हिलूंगा नहीं। मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक प्रज्ञा नहीं आ जाती। प्रज्ञा का इंतजार करूंगा। आप बोल दीजिए उसे वापस आने। पानी पुत्र जी। दादी मैं यहाँ पर इसी उम्मीद से आया था कि शायद ये सिग्नेचर्स प्रज्ञा के ना हो, पर ये सिग्नेचर्स तो प्रज्ञा के ही निकले। दादी क्यों किया उसने ऐसा? एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं पता है इतना आसान था क्या उसके लिए? दादी वो अपना प्यार भूल गई, लेकिन ये कैसे भूल गई कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। या तो मुझे यहाँ से निकलना होगा या फिर उन तक ये बात पहुँचानी होगी कि वो पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए, ताकि वो ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। प्रज्ञा मासी मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है परी बेटा, मैं कुछ करती हूँ। भैया सुनो, भैया टेंशन नहीं लेना। हाँ मैं बुलाती हूँ ना। भैया एक बार इधर आना। हाँ क्या है? क्यों चिल्ला रही है? हाँ जी वो परी, वो इस बच्ची को वॉशरूम जाना है प्लीज। तो मैं क्या करूँ? इसे नहीं ले जा सकते आप? ऐसा कैसे कर सकते? वो बच्ची है, वो यहाँ वो रोक नहीं पाएगी। आप समझ नहीं रहे। हमें ऑर्डर नहीं है इसे बाहर ले जाने के लिए। आप ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज देखिए, आपकी भी तो बेटी होगी। अगर आपकी बेटी इसकी जगह होती तो क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करते? प्लीज प्लीज बस वॉशरूम ले जाने की बात है, आप प्लीज इसे ले जाइए ना प्लीज। प्लीज अंकल। चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। डरना नहीं बेटा, जाओ अंकल के साथ। शैतानी मत करना। चलो आओ। और सुनो, कोई होशियारी नहीं है। चल थैंक यू भगवान जी, पहले आपने मुझे उम्मीद दी और अब रास्ता। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? प्लीज मेरा फोन उठाइए, बस एक बार प्लीज आंसर द फोन। पता नहीं कौन इडियट फोन किए जा रहा है। यार अगर इंसान एक बार में फोन नहीं उठाता तो इसका मतलब वो बिजी होगा ना। और अगर तुमने कुछ बेचने के लिए फोन किया ना तो मुझे कोई लोन चाहिए ना इंश्योरेंस, या पर लाइफ का पता नहीं इंश्योरेंस से क्या करूँ। देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो वरना फोन में घुस के मारूंगा, समझा। मैं बोल सुनिए, वो पेपर्स मैंने नहीं भेजे, वो मुझे जबरदस्ती साइन करने के लिए बोला वो। चुप, पति को फोन लगा रही थी है? एक तो तेरी बच्ची को हम बाथरूम लेके गया और ऊपर से तू ही है। प्लीज मुझे 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 एक बार मेरे पति से बात करने दीजिए, मुझे उन्हें कुछ बहुत जरूरी बात पता। मालूम है क्या बताना? यहाँ का एड्रेस ताकि पुलिस आए और सबको पकड़ ले। बोलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पे मेरी गलतियाँ सुनाने के लिए बुलाया ना तो I'm sorry, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अरे नहीं नहीं स्वीटहार्ट, मैंने यहाँ पर तुम्हारी गलतियों के लिए, तुम्हें डांटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी तारीफ करने के लिए बुलाया। देखो ना, अगर तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। आफ्टर ऑल तुम ही तो अभिषेक प्रेम मेहरा और प्रज्ञा के बीच की दूरी की वजह हो, या फिर मैं ये बोलूं तुम उन दोनों के बीच की दीवार हो। और अगर तुम नहीं होती ना मैं कुछ कर पाती और ना ही निखिल। हमारे सारे प्लान्स सक्सेसफुल तुम्हारी वजह से ही तो हुए। एनीवे, अब तनु हमें सबसे ज्यादा और सोच समझ कर काम करना होगा, यानी कि अब हमें तुम्हारे सबसे बड़े हथियार का यूज करना होगा। कौन सा हथियार? तुम्हारा बच्चा। और क्या स्वीटहार्ट, तुम समझ रही हो कि ये कितना बड़ा वेपन है तुम्हारे लिए। इसके नाम पर तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा से उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन लेना होगा। नहीं समझी ना, मैं समझाती हूँ। इस वक्त अभिषेक प्रेम मेहरा बहुत गुस्से में है। किसकी वजह से? प्रज्ञा की वजह से, बिकॉज उन्हें लगता है कि प्रज्ञा ने ही वो पेपर साइन करके उनके पास भेजे हैं, वो भी बिना उन्हें पूछे। इस वक्त तो इमोशनली डिस्टर्ब है और तुम्हें उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना है इस बच्चे को लेकर और खुद को लेकर। तुम्हें उनको बोलना होगा कि उनके अलावा तुम दोनों का है ही कौन। उन्हें समझाओ, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाओ। और जब तुम ऐसा करोगी तनु, तब वो गुस्से में आकर उन पेपर्स पर साइन कर देंगे। फिर तुम्हें उन्हें रियलाइज करवाना होगा तनु कि तुम और ये बच्चा उनकी फैमिली है और वो प्रज्ञा उनकी दुश्मन। well, समझो काम हो गया। That's like my best friend. क्या हो गया है तुम्हें प्रज्ञा? तुम ऐसी तो नहीं थी। जब मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा था तो तुमने नहीं दिया। अब जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं तो तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, वादा किया था कि कभी अकेले नहीं छोड़ोगी। इतनी जल्दी से भूल गई? मुझे वो एक एक दिन याद है, वो एक एक लम्हा याद है जो हमने साथ गुजारा। तुम्हें कैसे याद नहीं? याद करती तो ऐसा नहीं करती। मैंने तुम्हारी हर अच्छी बात याद रखी और अब ये पेपर्स मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा ताकि मुझे तुम्हारा दिया धोखा हमेशा याद रहे। इस धोखे को याद करके मैं तुमसे नफरत तो नहीं करना चाहता, और हाँ, इसे याद करके मैं तुमसे दोबारा कभी प्यार भी नहीं करना चाहता। तुम कभी दोबारा मुझे मिली और मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो ये धोखा मुझे तुम्हारी आंखों के काले जादू से दूर रखेगा और मुझे तुमसे दोबारा प्यार नहीं होने देगा। पर ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे दूर जाने की सोचता हूँ तो तुम मेरे और करीब क्यों नजर आती है? आज आप मेरी आवाज नहीं सुन पाए, पर शायद मेरे मन की आवाज आप तक पहुंच जाए और आपको बता दे कि मैं यहाँ आपको कितना मिस कर रही हूं। तुम नहीं हो पर तुम्हारा एहसास है यहाँ। ये हवा जैसे तुम्हें कहीं छू के मेरे पास आई है। बेटी ने जब इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसे पूछकर बताकर ही लिया होगा ना, तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगी? अरे मैं भी तो देखूं कि बेटी के फैसले पर उसको कितनी चिंता है, कितना दुख है। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर मिल लेती हूँ। माफ करिए बीजी, वो कह रही है ना कि नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्यों बहस करी जा रही हैं? इससे कुछ नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए, जिस वजह से प्रज्ञा आपसे नहीं मिलना चाहती थी, उसी वजह से सरला भी आपसे नहीं मिलना चाहती। मैंने आपको बताया था ना। बस आप तो अभी से कह के ये डाइवोर्स पेपर पे साइन करा दीजिए बस। तो फिर मेरा जवाब भी सुन लीजिए। अभी ने जो कहा था ना वो ही मैं कह रही हूँ। जब तक प्रज्ञा हमें नहीं मिलती, डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं होंगे। समझ क्यों नहीं रही है बहन जी? इन कागजों पे साइन होने बहुत जरूरी। बहन जी तुझे बार बार मुझे कह रहे हो कि मैं बात नहीं समझ रही। आप मुझे एक बात क्यों नहीं समझाते? प्रज्ञा कहाँ है? मैं कैसे समझाऊं आपको? प्रज्ञा की जान खतरे में है। लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। वो चाहते हैं कि डाइवोर्स पेपर पर साइन जब तक नहीं होंगे अभी के, प्रज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रही हैं आप? प्रज्ञा की जान खतरे में? आपको किसने कहा? आपको याद है जब आप यहाँ मिलने आई थी प्रज्ञा से, आपके जाने के बाद सरला को कुछ शक सा हुआ। वो वहां गई और वहां उसे निखिल मिला और उसने ये कागज निखिल ने सरला को दिए कि इस पर अभी के साइन लाओ। अगर अभी के साइन नहीं लाओगे तो प्रज्ञा को जान से मार डालेंगे। हे वाहिगुरु, ये क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे बार बार मिलकर अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा? अब तो मेरी प्रज्ञा की जान ही खतरे में। इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं आपको? मैं सोचिए ना, मैं डर गई थी। मुझे लगा था अगर मैं कुछ बताऊंगी आपको तो उन तक खबर पड़ जाएगी और उन लोगों को खबर मिलेगी तो वो प्रज्ञा को जान से मार डालेंगे। हाँ जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी प्रज्ञा को बचा लो, बचा लो। कुछ करो, ये सच्चे बचाओ, कुछ करो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।